दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं 30 प्रश्न सीडीपी के, और ये हम प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे 2020 के पेपर वन की, जो सीटेट में जनवरी 2021 में पेपर हुआ था। उस सीटेट के हम 30 प्रश्न देखेंगे सीडीपी के, और जानेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका सही विकल्प क्या है। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास प्रश्न पत्र है, ये पेपर कोड नंबर आई है, और इस पेपर आई में हम 30 प्रश्न सीडीपी के देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 30 से, ताकि 30 से अगर हम शुरू करेंगे तो एक तक आने में आसानी होगी और जल्दी खत्म करने की कोशिश किया जाए। तो चलिए प्रश्न संख्या 30 से हम शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 30 से शुरू करेंगे। 30वें प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया था सीटेट 2020 में पेपर वन में कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। मतलब बच्चों के विकास में जो अगर व्यक्तिगत विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो उसको किसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है, किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। अब आइए इसको समझते हैं। केवल अनुवांशिकता पर? क्या बच्चों में डिफरेंसेस केवल अनुवांशिकता पर निर्भर करता है? अनुवांशिकता पर तो निर्भर करता है, लेकिन केवल अनुवांशिकता पर निर्भर नहीं करता। केवल पर्यावरण पर भी निर्भर नहीं करता। ये वास्तव में न अनुवांशिकता और न पर्यावरण, इस पे भी नहीं होगा, क्योंकि अनुवांशिकता पर भी निर्भर करता है और पर्यावरण पर भी। इसका सही जवाब होगा 4 नंबर। देखिए, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। मतलब एक बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, वो किस बात पर निर्भर करता है? अनुवांशिकता पर भी निर्भर करेगा और पर्यावरण भी, इन दोनों की पारस्परिकता पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता। चलिए बहुत से, अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अगर आप किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए? विकल्प देख लेते हैं। विद्यार्थियों को नामांकित करना। नामांकित का मतलब कि लेबल देना। यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे तो लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट, कि चलो ये अच्छा बच्चा है, ये कमजोर बच्चा है, क्या लेबलिंग के लिए आप मूल्यांकन करेंगे? अगला प्रश्न, अगला विकल्प है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, कि भैया आप कमजोर बालक है, आप अलग विभाजित करना। अथवा विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को पहचान करना, और पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि इसका सही जवाब होगा कि आप मूल्यांकन से जानेंगे कि किसी बच्चे के अंदर कहाँ कमी रह गई है, उसकी क्या आवश्यकता और जरूरत है, इसकी हम पहचान करेंगे। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प संख्या। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, दोनों पेपर, पेपर वन और पेपर टू में। आपको थोड़ा सा तर्क करके हल करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, एक कार्य के दौरान साइना, मान लीजिए एक लड़की है, एक कार्य कर रही है साइना, वह स्वयं से बात कर रही है, ठीक है, स्वयं से बात करते वक्त वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है, वह ये बात करी, मतलब वो खुद से सोच रही कि यार मैं कैसे प्रोग्रेस कर सकती हूँ, कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ बात इस कार्य को। अब इस चीज को ले वायदोत्सुकी ने के भाषा में और चिंतन एवं सोच में के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? कोई लड़की है, कार्य कर रही है, वो सोच रही है कि कैसे मैं शुरू करूं, इस चीज को आप क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, मतलब दिमाग से अपरिपक्व है, क्या वो इनमेच्योर है, यह दर्शाता है? बिल्कुल नहीं। स्वनियमन या फिर आत्म केंद्रित या मनोवैज्ञानिक विकरण। मनोवैज्ञानिक विकरण का मतलब फिजिकल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्या ऐसा लगता है कि उसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? बिल्कुल सही नहीं होगा। स्वनियमन का मतलब सेल्फ रेगुलेशन, एक बार इंसान कार्य करने से पहले खुद से बात करके स्वनियमन कर लेता है। और हाँ, मैं आपसे भी कहूंगा कि जब भी आप सीटेट का पेपर देने जाए तो एक बार स्वनियमन जरूर कर लें, सेल्फ रेगुलेशन जरूर करें कि हमें कौन से प्रश्न से शुरू करना है। बहुत सही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे विकल्प आपके भी सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या है? प्रश्न संख्या 27 को हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संकलनात्मक समझ के बढ़ोतरी करने के सहायक है? अब इसको जरा इंग्लिश में और समझेंगे। ओके, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब संज्ञानात्मक समझ के बढ़ोतरी के लिए सहायक है कौन सा? चलिए नीचे वाली देख लेते हैं। इसका विकल्प प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, मतलब कॉम्पिटिशन्स ज्यादा सही होगा उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा साथ, मतलब जो पाठ में लिखा गया है वो पढ़िए। या फिर बारंबार परीक्षाएं, मतलब फ्रिक्वेंटली एक के बाद एक परीक्षाएं कराना, इससे बच्चों के अंदर ज्यादा समझ होगी। या अन्वेषण और संवाद, अन्वेषण का मतलब ह्यूरिस्टिक
इसको हम खोज विधि भी कहते हैं। तो खोज बीच, खोज विधि या फिर संवाद मतलब डायलॉग, तो क्या लगता है आपको कि बच्चों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उनकी संकलनात्मक समझ कैसे विकसित होगी? तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, आप सब बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा अन्वेषण और संवाद, यानी कि खोज विधि और डायलॉग। बहुत अच्छा। चलिए प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। इसी प्रकार से अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज द गुड फॉर लर्निंग? अधिगम के लिए योग्यता सुधार, क्या योग्यताएं सुधार की जा सकती हैं? अगर किसी बच्चे की योग्यता अभी कम है, क्या उसको सुधार किया जा सकता है? इज एबिलिटी इंप्रूवेबल, इंप्रूव किया जा सकता है, यह सही है, या फिर योग्यता अटल है? अटल है मतलब फिक्स है, अगर बच्चा पढ़ने में तेज है तो तेज रहेगा, कमजोर है तो कमजोर रहेगा, क्या उसकी योग्यता अटल है? या फिर प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये तो दोहा ही गलत हो गया ना कि करत करत प्रयास से फल जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से घट पर पड़त निशान, तो ये तो दोहा ही गलत कर देंगे। असफलता अनियंत्रित है, क्या फेलियर अनकंट्रोलेबल है? कोई बच्चा फेल होता है मतलब हमें नियंत्रण ही नहीं है, वो फेल होगा तो फेल ही होगा, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि योग्यता सुधार है, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। बहुत अच्छा, चलिए ये सब आपके भी सही होंगे विकल्प, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम की संरचना विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना, अब ज्ञान की संरचना में क्या होता है, क्या बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, या बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीटली वो बड़े लोगों पर डिपेंड करते हैं, या बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या बच्चों को पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं? तो बताइए ज्ञान की संरचना में क्या होता है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप सब बहुत अच्छे प्रश्न। चलिए अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, मतलब बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग कौन सा है, आपको क्या लगता है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? देखिए उच्च उत्तेजना और उच्च भय, मतलब जितना ज्यादा डर रहेगा उतना ज्यादा बच्चा सीखेगा, क्या लगता है आपको ये सही होगा? या निम्न उत्तेजना उच्च भय, छोटी उत्तेजना और उच्च भय, क्या डर तो होगा नहीं? चलिए संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, मतलब आपकी क्यूरियोसिटी हो, आपकी उत्तेजना हो लेकिन कंट्रोल में, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है? चलिए कोई उत्तेजना नहीं या कोई भाव नहीं, भय नहीं, जब कोई उत्तेजना ही नहीं होगी, कोई जिज्ञासा ही नहीं होगी तो बच्चा सीखेगा कैसे? तो चलिए एक अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था क्या होगी, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, डर नहीं, संतुलित मेहनत करो, संतुलित उत्तेजना रखो, डरो मत, बहुत अच्छा होगा। तो ये होगी अधिगम की सबसे अच्छी स्टेट, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग। चलिए बच्चों को सिखाने में कठिनाई होती है जब, किसी बच्चों को अगर आप मान लीजिए आप टीचर बन गए, किसी बच्चों को सिखाएंगे तो आपको कब, वो बच्चों को सिखाने में कठिनाई कब होती है? जब सूचनाएं अलग अलग टुकड़े में प्रस्तुत हो तब कठिनाई होगी, या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अगर कोई बच्चा मान लीजिए इंटरनली मोटिवेटेड है तो क्या सिखाने में कठिनाई होगी? अधिगम सामाजिक संदर्भ, जो चीजें आप सिखा रहे हैं वो समाज से जुड़ा हुआ है तो क्या सिखाने में कठिनाई होगी? या विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत, एक विषय वस्तु है उसको आप कई तरीके से मल्टीपल वे में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या सिखाने में कठिनाई होगी? नहीं, जब सूचनाएं अलग अलग दी होंगी तब कठिनाई होगी, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर एक। चलिए ये पेपर वन की हम बात करें दोस्तों, ये सारे प्रश्न सी टेट में पूछे गए हैं, एग्जाम जनवरी 2021 में हुआ था और फॉर्म 2020 में भरा गया था, तो ये सी टेट पेपर वन का क्वेश्चन देखें। प्रश्न संख्या 22, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए विश्लेषण? कि इसके आधार पर वह दंड मात्रा निर्धारित कर सके, जितनी ज्यादा त्रुटि उतना ज्यादा दंड, क्या यह विकल्प सही होगा? या त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, जरूरी है, अर्थपूर्ण है, ठीक है, यह विकल्प सही होगा? या इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटि करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सके, या फिर विकल्प संख्या 4 सही होगा, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, यह विकल्प सही होगा? तो जी नहीं, बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ठीक है? तो चलिए ये बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न क्या 21 देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, सबसे अच्छा क्या हो सकता है भाई?
विषय वस्तु को यंत्रवत याद कर लीजिए, जैसा है वैसे बस रट डालिए, मेमोराइज कर लीजिए, या फिर संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजिए। जो भी आपका कॉन्सेप्ट है ना उसके बीच में आप रिलेशन देखिए, उसको संबंध खोजिए, यह सही है, या फिर बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, या फिर अनुकरण नकल दोहराना, क्या सही हो जाएगा बताइए। तो बढ़िया, बिल्कुल सही, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजना। बहुत सही दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। अब जो 20 प्रश्न है ना वो आपको थोड़ा सा देख के अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ी सी ऐसे फनी टाइप है। शर्मिंदगी, आप बताइए किसी कक्षा में अगर किसी बच्चे को आप शर्मिंदा कर देते, उसकी इंसल्ट कर देते, तो इससे क्या होगा? बच्चों के संज्ञानात्मक में कोई संबंध नहीं है, क्या ऐसा है कि उनके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ना बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, या फिर बच्चों के अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली, मतलब उसको आप जितना इंसल्ट करेंगे वो और ज्यादा अभिप्रेरित होगा, या फिर कि शर्मिंदगी के भाव के अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, मतलब एक बच्चे को बार बार फ्रिक्वेंटली लेवल पे उसे और इंसल्ट करना चाहिए, तो क्या हो सकता है बताइए? शर्मिंदगी से बच्चों के दिमाग पे एक नेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो नहीं करना है, बच्चों को ऐसे इंसल्ट नहीं करना। अब कुछ सोचिए, हमें कोई जब हम बचपन में थे तो हमें कोई प्रेयर में खड़ा करा के डांट दे बाहर, तो कितने इंसल्ट हो, राइट? तो ये सब नहीं। अच्छा चलिए, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, मतलब आपकी बच्चा मोटिवेटेड उसको किस प्रकार से आप कायम रख सकते हैं, मतलब वो मोटिवेटेड रहे, अभिप्रेरित रहे और अच्छे से पढ़ाई करे, कैसे कर सकते हैं? बच्चे को दंड देकर नहीं, दंड नहीं देंगे। अच्छा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन द मास्टरी ओरिएंटेड गोल, जो उसका लक्ष्य है ना आप उस पर जोर देके, मतलब जो आपका लक्ष्य है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके आप उसके लक्ष्यों को बता के किस प्रकार से आप उसे मोटिवेटेड रख सकते हैं, या फिर बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या फिर यंत्रवत याद कराने पर जोर देकर, बताइए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बच्चों को प्रवृत्ति अभिमुखिता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर बच्चों को और हमेशा क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित रख सकते हैं, कायम रख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं दोस्तों। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य बनाया जा सकता है? तो इसका विकल्प लगातार अभ्यास, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखिए लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, कोई बच्चा समस्या समाधान क्षमताओं को और बेहतर आप कैसे बना सकते हैं, सुसाध्य कैसे बना सकते हैं, अभ्यास और कार्यान्वयन, देखिए प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन आपसे यहाँ कह रहे हैं कि लगातार अभ्यास, मतलब प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास, तो यहाँ पे जब लगातार की बात हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंस आ जा रहा है, किसी बच्चे को आप लगातार इतना पढ़ाइए कि वो पढ़ाई छोड़ के भाग जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, यह विकल्प आपको सही लगता है, या फिर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके, मतलब बिल्कुल फिक्स्ड प्रॉब्लम, ये सही लगता है, या समरूपों का इस्तेमाल बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, तो देखिए अटल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, विद्यार्थियों में डर पैदा नहीं कर सकते और लगातार अभ्यास नहीं करा सकते, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा समरूपों का इस्तेमाल का वो बढ़ावा दे, ठीक है? तो ये होंगे, ऐसे आप तर्क करके प्रश्न हल करिए, सारे आपको प्रश्न टारगेट 30/30 मतलब 30 में से 30 इस बार आपको करके आना है। चलिए, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, विविध पृष्ठभूमि मतलब अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड क्लास से, कोई बच्चा बहुत अच्छे घर परिवार से आया है जहाँ पे बहुत अच्छे पढ़ने वाले, तो मतलब विविध अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से, तो आप क्या करेंगे? विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, मतलब अरे हटाओ यार क्या फर्क पड़ता है, कौन तेज है कौन कमजोर है, टाल देनी चाहिए, या फिर विविध विन्यासों का उदाहरण लेना चाहिए, आप अलग अलग विविध विन्यास का उदाहरण देंगे, या सभी को के लिए मानकृत, सभी को मतलब एक ही स्टैंडर्डाइज असेसमेंट से आप कर देंगे, सभी को एक ही मानकृत आकलनों में इस्तेमाल करेंगे, या फिर ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवाद धाराओं को और मजबूत करे, बताइए भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा विविध विन्यासों के से उदाहरण लेने चाहिए। चलिए बहुत सही, प्रश्न संख्या 17 का विकल्प नंबर 2 सही, चलिए बहुत सही। अब आइए, अब एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, प्रश्न संख्या 16, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता लो कॉम्प्रहेंशन, या फिर अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन मतलब
क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं ना, वो अपसारी चिंतन करते हैं, बहुत चारों तरफ से चीजें देखते हैं, समझते हैं, उनका दिमाग ज्यादा चलता है। या फिर अति सक्रियता या फिर असतर्कता, तो क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा अपसारी चिंतन। सही जवाब इसका हो जाएगा अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्स थिंकिंग। ये क्रिएटिव चाइल्ड यानी सृजनात्मक बच्चों की पहचान का प्रमुख लक्षण हो सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। 15 आपको बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और 15 आपको बड़ा संभाल के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। मतलब एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए अगर कोई बच्चा सीखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते? देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री का इस्तेमाल, जैसे कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना, क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, तो ये जवाब नहीं होगा। पूछा जा रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल, या फिर व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, या फिर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, मतलब रिगिड पैडागोजी, तो जटिल संरचनात्मक का प्रयोग नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को अगर कोई बच्चा संघर्ष कर रहा है पढ़ाई में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, दिव्यांगजन मतलब थोड़ा सा ये नियम है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फिजिकली थोड़ा सा ना चैलेंज है, मतलब जूझ रहा है, तो आप क्या उसको मंदित छात्र कह देंगे, ठीक है कि चलो इसका तो दिमाग ही नहीं काम करता, उसको विकलांग छात्र कहेंगे, या फिर उसको ऐसे छात्र जिसकी शारीरिक दिव्यांगता है, या छात्र जिसका असत शरीर है। देखिए इन तीनों वर्ड में अगर आप देखेंगे, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, मतलब आप किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप किसी को थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स आता है, जैसे छात्र जिसका असक्त शरीर है, कोई शक्ति नहीं है, कोई कार्य नहीं। लेकिन वहीं अगर हम इस विकल्प को देखें तो छात्र जिसके शारीरिक दिव्यांगता है, मतलब एक छात्र है तो वो फिजिकली चैलेंज है या फिजिकली थोड़ा सा डिसेबल है, तो यह शब्द का आप इस्तेमाल बिल्कुल उपयुक्त होगा, छात्र जिसके शरीर में दिव्यांगता है, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, दिमाग बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, थोड़ी सी समस्या यह है कि फिजिकल डिसेबल है, शारीरिक रूप से थोड़ा सा दिव्यांग। चलिए, एक समावेशी कक्षा पर डैश पर जोर देना चाहिए। समावेशी कक्षा का मतलब यह होता है कि ऐसी कक्षा जहाँ पे हर एक प्रकार के, जैसे फिजिकली डिसेबल और फिजिकली फिट दोनों प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होगा? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना चाहिए, या अविभेदी समरूपी निर्देश, या फिर सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव, या हर बच्चे को समर्थ को अधिकतम करने के लिए अवसर देना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समावेशी कक्षा में हर एक बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए क्या करना चाहिए? अवसर देना चाहिए। चलिए बहुत सही। प्रश्न संख्या हम 12 देखें। 12 के बाद 10 प्रश्न, 11 प्रश्न और बच जाएंगे। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रोग्रेसिव क्लास में, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? एक क्लास है जहाँ पे बच्चों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो आप इसको किस प्रकार से देखेंगे? अधिकम की प्रक्रिया में बाधा, आपको लगेगा अरे यार ये तो क्या मुसीबत हो गई, सब बच्चे अलग अलग हैं, अब तो मुसीबत हो गई, ये तो अधिगम की प्रक्रिया में बाधा हो गया, आपको ये लगेगा, या फिर अध्यापक की पक्ष पर असफलता, या फिर योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। अगर एक बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है तो आप इसको किस प्रकार देखते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको अधिगम प्रक्रिया की परियोजना बनाने में, पढ़ाने से पहले जो योजना बनाते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, चौथा प्रश्न हो जाएगा, चौथा विकल्प हो जाएगा इसका सही जवाब, कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण आप इसको रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, बहुत अच्छा दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास की क्रम क्या होता है? जन्म से किशोरावस्था। चलिए प्रश्न 11, आप पहला विकल्प देखिए, संवेदिक मतलब ना, आप जैसे कि कोई बच्चा का विकास कैसे होता है, शुरू में पहले वो चीजों को छू के, महसूस करके, सुन के, देख के, सुन के, इस प्रकार से इन चीजों का विकास होता है। फिर होता है मूर्त विकास। मूर्त विकास मतलब उसको चीजें दिखाई दे रही है, साइकिल चल रहा है तो क्यों चल रहा है, टीवी चल रहा है तो क्यों चल रहा है, खाना पक रहा है, ये मूर्त चीजें जिसका आकार है, जिसका स्वरूप है, जो चीजें दिखाई दे रही, फिर उसका विकास होता है। फिर अमूर्त,
अमूर्त का मतलब जो चीजें नहीं है, जैसे हवा है, हवा में ऑक्सीजन है, हवा में और गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारी चीजें अमूर्त के अंदर आता है। जो क्रम पूछा जा रहा है वो यही क्रम होगा कि बच्चा पहले महसूस करके संवेदिक चीजों का विकास करता है, फिर मूर्त चीजें जो दिखाई देती है उसका विकास होता है, उसके बाद अमूर्त चीजों का होता है किशोरावस्था। तो ठीक है, तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास इस रूप में होता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखेंगे दोस्तों, 10 प्रश्न और रह गए, इसको देख लेते हैं। ऐसे ही डेली अगर आप सोचिए 30 प्रश्न देखते जाएंगे ना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो लगेगा कि हाँ ये चीजें थी, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से पूरा एक क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा। एक तो एक नंबर छूटेगा, ऊपर से 25.025 का नेगेटिव मार्क लग जाएगा। तो चलिए विकास के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है, चलिए यहीं पे देख लीजिए ये वाला प्रश्न। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। अब ये देखिए, क्या विकास की दर सभी के लिए समान हो सकती है? ठीक है, या विकास केवल विद्यालय में होता है, विकास केवल बाल्यावस्था में होता है, या विकास बहुमुखी होता है, मल्टी मल्टी डायमेंशनल होता है। आपको तो लगेगा कि यार विकास सभी का समान ही होगा ना, विकास की जब दर की बात है, लेकिन नहीं, हो सकता है कुछ बच्चों का जल्दी विकास हो सकता है, कुछ बच्चों के विकास होने में टाइम लगता है। देखिए कुछ बच्चों के डेट ऑफ बर्थ बहुत डिफरेंस नहीं होंगे, लेकिन कुछ ज्यादा समझदार लगते हैं, कुछ अपर क्लास में चले जाते हैं, कुछ नीचे क्लास में रह जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि उनके विकास के दर में कमी होती है, सबका विकास दर समान नहीं होता। लेकिन हाँ ये बात है कि डेवलपमेंट ना मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुमुखी होता है, मतलब आपका शारीरिक विकास होगा, समय के साथ साथ आपका मानसिक विकास होगा, आपका आपका इमोशनली भी डेवलपमेंट होगा, तो ये बहुमुखी प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। 9 दोस्तों, जीन पियाजेट के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विकास का मुख्य गुण क्या है? तो मुख्य गुण क्या होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के? मुख्य गुण अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, या फिर परिकल्पित निगरात्मक विचार, या संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो 9वां प्रश्न आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विकास का मुख्य गुण क्या होता है? इसका मुख्य गुण हो जाएगा विचार और सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, मतलब विचारों में थोड़ा सा ठहराव आना लगेगा, ऐसा नहीं कि कभी कुछ और सवाल करते, तो विचारों में थोड़ा सा ठहराव आना। चलिए, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं, किसमें वर्णित करते हैं? तो इसका दोस्तों आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसका जवाब होता है स्कीमा। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरचनात्माओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, मनोबंध स्कीमा बहुत अच्छा शब्द है, इसको कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इसको थोड़ा ध्यान देना कि स्कीमा के रूप में क्या करते हैं दोस्तों, वर्णित करते हैं। चलिए 7 प्रश्न और रह गए, अब खत्म कर लेंगे इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं चीजें आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है। चलिए, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देते हैं, इसके सांस्कृतिक उपकरण, गुणारोपण, अभिप्रेरणा या संतुलीकरण। इसका जवाब आप हमें बताएंगे कि किस पे लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम की प्रक्रिया में महत्व देते हैं। यहाँ पे देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, तो ये किस पे जोर देंगे दोस्तों? सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देते हैं, बहुत से सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व। चलिए अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मनोवैज्ञानिकों से संबंधित प्रश्न है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसको स्वीकृति देते हैं, मतलब हम कोई कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि समाज कहता है, दुनिया कहता है, लोग कहते हैं कि हाँ ये सही है, ऐसा ही करो, हम इसी कार्य को इसीलिए कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? प्रथा पूर्व कहेंगे, प्रथागत कहेंगे, या फिर उत्तर प्रथागत अमूर्त संक्रियात्मक। तो समाज इस चीज की स्वीकृति देता है, दूसरे कहते हैं कि सही है तो करो, तो ये तो एक प्रथागत हो जाएगी ना भाई, बिल्कुल एक प्रथागत प्रक्रिया हो जाएगी कि चलो भाई दूसरे स्वीकृति देते हैं मतलब हम करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे कि बहुबुद्धि के सिद्धांत जोर देता है, इस चीज पर जोर देता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि इंटेलिजेंस इम्फेसाइज, यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड है, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण। देखिए यहाँ पे आप जब सीटेट का एग्जाम देने जाइए तो इन शब्दों को बड़ा ध्यान दीजिए, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों पर आके जाती है, केवल, ये सवाल गलत हो जाएगा, जब केवल की बात हो जाए थोड़ा ध्यान दीजिए। एक आयाम में बुद्धिमता अन्य सभी आयामों बुद्धि पर निर्भर करता है, एक आयाम की बुद्धिमता अन्य सभी आयामों की बुद्धि निर्भर करती है, यह विकल्प सही होगा। या फिर प्रश्न विकल्प संख्या 3 देखेंगे, बुद्धिमता की विभिन्न दशाएं हैं,
सही बात है। बुद्धिता की क्या है, सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की सेवरल फॉर्म होते हैं, इसका विकल्प यही सही हो जाएगा, विकल्प संख्या 3, बुद्धिमता की विभिन्न दशाएं हैं। चलिए विकल्प संख्या, प्रश्न संख्या 4 देखिए। अब ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई रूपों में पूछा जाता है। बच्चों के समाजीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है। तो बताइए क्या यहाँ पे सही कर दिया जाए या आगे बढ़ा जाए? विद्यालय समाजीकरण का प्रथम, विद्यालय प्रथम होता है या फिर घर परिवार प्रथम होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। समकक्षी, जो साथ में समकक्षी है वो प्रथम होते हैं और परिवार द्वितीय होता है, या फिर परिवार एवं जन संचार ये सब द्वितीय होते हैं। तो बताइए कौन सा प्रथम होगा? बिल्कुल सही बात है, परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है। यह विकल्प, यह प्रश्न कई बार कई रूपों में पूछा गया है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझ लेना चाहिए। प्रश्न के 4 का पहला, दोस्तों 3 प्रश्न और रह चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो तो। लेकिन हाँ, उससे पहले कमेंट में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आपको कैसा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका, या फिर ऐसे डिस्कस करने से आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। चलिए अब आइए, एक गतिविधि के दौरान छात्रों के संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्ची को संकेत और इशारों जैसे कि क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे प्रदान में फैसला लेती है। ले वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अधिगम की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, मतलब उनको डीमोटिवेट करेगी, या फिर अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्र का प्रत्याहार या निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी, या अधिगम के लिए प्रक्रिया अर्थहीन है, अर्थहीन तो नहीं होगा, ठीक है, निष्कास नहीं होगा और बच्चों को निष्प्रेषित नहीं करेगा। पाड़ का मतलब होता है कि थोड़ा सा सहायता करना, एक जगह से दूसरी जगह पार करना, मतलब हेल्प करना। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2, अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम, फिक्स्ड करिकुलम का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अधिगम में प्रतिस्पर्धा पर, कंपटीशन पर बल देना चाहिए, या ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए? बताइए ये सही होगा। अगला विकल्प देख लेते हैं, चलिए अगला विकल्प देख लेते हैं। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, तो नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया कि तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, एक आखिरी प्रश्न देख लेंगे, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन दबा लिए होंगे, और हाँ, कमेंट में अपनी राय देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह वीडियो अब खत्म होने वाली है इस आखिरी प्रश्न के साथ। और आखिरी प्रश्न भी बड़ा मजेदार है कि एग्जाम्पल के तौर पर एक खेल क्रिया में एक के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है, रोहन को चोट लगी, यह देखकर रोहन के पिता कहते हैं कि लड़की की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट आपने पिक्चर में देखा होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक उसी से रिलेटेड है कि लड़के रोते नहीं है। यह क्या है? यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या फिर यह लैंगिक रूढ़िवादी को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? मतलब लड़कियां ही रोती हैं, आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया ना कि लड़के रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जहाँ पे ना हम ये दर्शाते हो कि जैसे कि किसी ने कह दिया कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी टीचर ने किसी बच्चे से कह दिया कि तुम अपने दिमाग से सोचो, लड़कियों की तरह दिल से ना सोचो, तो ये सारे क्या दिखाते हैं? यह दिखाते हैं कि ये लैंगिक रूढ़िवादिता है, आप लड़कियों को कम समझ रहे हैं, आपने कह दिया कि मर्द को दर्द नहीं होता, मतलब केवल लड़कियों को दर्द होता है, महिलाओं को दर्द हो सकता है, लड़कियां ही रोती हैं, लड़कियां दिमाग से नहीं सोचती, ये सारी चीजें क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाती है, ठीक है। लेकिन आप अच्छे लोग हैं, आप समानता रखते हैं, आप इस प्रकार के लोग हैं जो लैंगिक समानता को सवा देते हैं, विकल्प संख्या 4 वाले आप हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को, अच्छा एक और प्रश्न, एक और चीज यहाँ पे आ गया, अगर जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि गर्ल्स के चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, अब मैं आपसे ये कह दूं कि चलो ठीक है, मैं तो बॉयज हूँ, मेरे चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये चीजें क्या दर्शाती हैं? ये भी दर्शाती हैं लैंगिक रूढ़िवादिता, मतलब
लड़कियां लोग लड़कियों के चैनल को सब्सक्राइब करते, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीजें लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो मुझे पता है आप अच्छा काम करेंगे तो जरूर सब्सक्राइबर मिलेंगे, जरूर आपकी वीडियोस को लाइक मिलेगा। और ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि मैं कैसा काम करता हूँ और आपको क्या चीज़ें पसंद आती हैं। अगर दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को इतना यही खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।